खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। जिले के तारादेही थाना अंतर्गत हुए एक हत्याकांड का पुलिस ने आज खुलासा कर दिया। पुलिस कंट्रोल रूम में जिला पुलिस अधीक्षक डीआर तेनिवार ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि तारादेही थाना अंतर्गत ग्राम पलवा स्टाफ डैम के नीचे अरविंद पाल का शव रक्त रंजित अवस्था में पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद पुलिस ने इसकी जांच प्रारंभ की। वहीं परिजनों के बयानों के आधार पर पुलिस ने प्रेमलाल गुर्रई और सच्चूपाल को गिरफ्तार किया, और जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि अरविंद पाल का आरोपी गुरई पाल की लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके कारण पलवा स्टैम्प डैम पुल पर एक राय होकर आरोपियों द्वारा मृतक अरविंद पाल को पकड़कर आरोपी प्रेमलाल पाल एवं सचिल पाल द्वारा एक ही बका से गर्दन पर कई बार कर हत्या कर उसका शव पुल के नीचे फेंक दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जिला पुलिस अधीक्षक डी आर तेनिवार ने विस्तार से जानकारी दी। क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पलवा में 2 फरवरी को प्रातः अरविंद पाल नाम का जो है 17 वर्षीय बालक था, इसकी डेड बॉडी पलवा गांव की पुलिया के पास जो स्टाफ डैम के निकट है वहां पर मिली। इससे क्षेत्र में बिल्कुल जो है सनसनी और चिंता का विषय हो गया कि 17 साल के जो बच्चे का मर्डर जो है किसने किया है। बाद में शिनाख्त ये हुई है कि यह जो बच्चा है यह ग्राम हरई जो पलवा के पड़ोस का ग्राम का है वहाँ पर गुड्डा पाल का लड़का है। अरविंद पाल घर से 1 फरवरी की शाम को उस रात में 9:30 बजे करीब घर से निकला था, बिना बताया निकला था, और इसलिए ये बड़ा चिंता का विषय था कि लड़का वहाँ कैसे पहुँचा, किसके साथ था और किसने घटना की है। गुड्डा पाल की सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा मर्ग कायम करके जांच प्रारंभ की गई है, और 2 तारीख को ही जो है इसमें 302 का प्रकरण अज्ञात आरोपी विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है। इस प्रकरण में थाना प्रभारी तारादेही श्याम में SDOP तेंदुलखेड़ा चौरसिया जी और हमने इस पार्ट पर जाकर के घटनास्थल का परीक्षण किया और पीड़ित पक्ष से पूछताछ की गई। सूचना के आधार पर यह पाया कि लास्ट में यह प्रेमलाल नाम का एक व्यक्ति जो समनापुर का रहने वाला है उसके साथ देखा गया और उसके साथ ही घर से निकला था। एक सचिन पाल है और ये दोनों उसको घर से बुला के ले गए थे, और बाद में इन दोनों व्यक्तियों को इस संदेह के आधार पर पकड़ा, इसे पूछताछ की गई है, दोनों के द्वारा घटना स्वीकार कर ली है। इसमें इन्होंने स्वीकार किया है कि हमने एक गुंडई पाल है गुरई पाल उसके कहे अनुसार हमने इस व्यक्ति को घर से बुलाया, लड़के को रात में दारू पिलाई और पका से जो है इस पर सर पर प्रहार किया और उसकी हत्या करके रेड बाजी को जो है पुलिया के नीचे फेंक दिया गया। जरा सा बदलाव रिश्तों की सेहत के लिए अच्छा है, तो क्यों ना अपनों का खाना धारा ऑयल में बनाएं और रिश्तों की सेहत बढ़ाएं।